हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर लोग ये समझते हैं कि उन्हें बेड रेस्ट की जरूरत है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं भी है तो भी उन्हें लगता है कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है, बेड रेस्ट करना है। या कभी कभी वो फीमेल्स जिनकी पहले की कोई हिस्ट्री खराब है, मिस कैरेजेस हो रखे हैं, तो उन्हें लगता है कि बेड रेस्ट करने से मिस कैरेज यानी कि अबॉर्शन का खतरे को कम किया जा सकता है या उससे बचा जा सकता है। आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट की जरूरत होती है या नहीं, और अगर प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट की जरूरत होती है तो किन कंडीशंस हैं और हमें कितना बेड रेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम सवाल का जवाब देने की कोशिश करें तो प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट की कोई भी जरूरत नहीं होती है। प्रेगनेंसी आपकी लाइफ का एक स्पेशल फेज है, इसमें आपको किसी भी तरीके की अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट अगर आप प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट करते हैं तो आप इनवाइट करते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, आपको या आपके बच्चे को कुछ तकलीफ हो सकती है। बेड रेस्ट की सलाह सिर्फ लिमिटेड केसेस में दी जाती है, और वो भी तब जब आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क कैटेगरी में आती है, और सब हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में भी बेड रेस्ट की सलाह नहीं दी जाती है। तो जब कभी आपके डॉक्टर्स आपको बेड रेस्ट की सलाह देते हैं तो आप उनसे खुल के डिस्कस करिए कि आखिर आपको बेड रेस्ट क्यों कहा जा रहा है। ये मैं इतना स्ट्रेस देकर के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेड रेस्ट अगर आप प्रेगनेंसी में करते हैं तो उससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी इन्वाइट करते हैं। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो एज अ रिजल्ट आपका वेट मैनेजमेंट पुअर हो जाएगा। हो सकता है आप जरूरत से ज्यादा वेट गेन कर लें। अब वेट गेन करने की वजह से, एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस गड़बड़ा सकता है, तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटिक होने का रिस्क बढ़ जाएगा। अब क्योंकि वेट ज्यादा बढ़ चुका है तो हो सकता है कि आपके ब्लड वेसल्स जो हैं उसमें भी प्रेशर चेंजेस आ सके, आपका पीआईएच यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाएगा। और प्रेगनेंसी के दौरान ऑलरेडी हमारे शरीर में ऐसे हॉर्मोन्स सर्कुलेट कर रहे होते हैं जिसकी वजह से खून में जमने की ताकत थोड़ी सी बढ़ जाती है, और ऐसे में अगर आप बेड रेस्ट करते हैं तो वेन्स, खासकर आपकी जो टांगों की नसें हैं उनमें खून जमने की, जिसे हम बोलते हैं वीनस थ्रोम्बोसिस, उसका खतरा बढ़ जाएगा, जो कि एक मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अब क्योंकि आप अगर बेड रेस्ट में हैं, आप अपने मसल्स को यूज नहीं कर रहे हैं, अपने जॉइंट्स को यूज नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको क्रैम्प्स यानी कि आपकी नसें चढ़े, आपका मसल पेन हो, आपकी बोन्स वीक हो जाए, जिसे हम बोलते हैं बोन डीमिनरलाइजेशन, इस सब का रिस्क बढ़ जाएगा। अब मस्कुलर वीकनेस की वजह से आपका टिश्यू परफ्यूजन का मतलब होता है कि आपके बॉडी ऑर्गन्स में और साथ ही साथ बच्चे को ब्लड सप्लाई होगी, उसका चांसेस भी कम हो जाता है, तो बच्चे का बर्थ वेट कम हो सकता है, ये रिस्क बढ़ जाएगा। और क्योंकि अब आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हैं, एकदम बेड रेस्ट पे जा रहे हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और अगर आप नॉर्मल डिलीवर कर भी रहे हैं तो वो डिलीवरी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो ये सब चीजें से हम ये तो समझ गए कि बेड रेस्ट डेफिनेटली नो नो है, आपको प्रेगनेंसी में नहीं करना है। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी रहती हैं जहां पे आपको बेड रेस्ट की सलाह दी जाती है, जैसे कि प्लेसेंटा लो लाइंग, प्लेसेंटा प्रीविया जिसे हम बोलते हैं, कि अगर आपकी जो आवल है वो बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रही है या एकदम उसके नजदीक में है, तो आपको रेस्ट की सलाह दी जा सकती है। आपको ये बताया जा सकता है कि आप अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए, क्योंकि इसमें जो है ब्लीडिंग का खतरा और उसके बाद फिर मिसकैरेज या डिलीवरी का रिस्क रहता है, तो इसमें सलाह दी जा सकती है। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब ये होता है कि आपके बच्चेदानी का मुंह कमजोर है, वो बढ़ते हुए बच्चे का शायद प्रेशर नहीं ले सकता है, और उसकी वजह से आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो समय से पहले खुल सकता है। खासकर इसके साथ में अगर आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं या आपका अंदर का जो पानी है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वो ज्यादा है, तो आपके डॉक्टर आपको रेस्ट की सलाह दे सकते हैं ताकि बच्चेदानी के मुंह पे प्रेशर कम पड़े और वो समय से पहले खुले, इसका रिस्क कम हो जाए। इसी तरीके से फर्स्ट थ्री फोर मंथ में ब्लीडिंग होती है तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि बेड रेस्ट करने से मिसकैरेज का खतरा कम हो जाएगा, लेकिन जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं उसमें ये बहुत क्लियर कट प्रूव हो गया है कि अगर आपको अपने मिसकैरेज का खतरा कम करने का है तो बेड रेस्ट से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। खासकर शुरुआत के 3-4 महीने के मिसकैरेज में तो डेफिनेटली नहीं,
जो लेट मिसकैरेजेस होते हैं यानी कि पांचवें छठवें महीने के मिसकैरेजेस होते हैं जो बच्चेदानी की कमजोरी की वजह से होते हैं, उसमें हाँ बेड रेस्ट फायदा कर सकता है। अदरवाइज शुरुआत में अगर आपको कुछ ब्लीडिंग हो रखी है तो आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप बहुत लंबे टाइम तक खड़े नहीं होइए, बहुत तेज तेज नहीं चलिए, कोई भारी काम नहीं उठाइए, वजन नहीं उठाइए। लेकिन बेड रेस्ट में जाना ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। आप अपनी डेली एक्टिविटीज, अपनी रूटीन की एक्टिविटीज, सीढ़ियों को चढ़ना उतरना, ये सब कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसी कोई भी साइंटिफिक स्टडी नहीं है जो ये बोलती है कि आप शुरुआत के 3 महीने या 4 महीने के मिसकैरेजेस को बेड रेस्ट करके रोक सकते हैं। तो बेड रेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, कुछ एक्सरसाइजेस करते टाइम आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ आप वॉकिंग अगर कर रहे हैं, साइकिलिंग अगर कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीजें इस तरीके से आप करिए कि आपको कोई भी झटका नहीं लगे, आप कोई गिरे नहीं, आपका पांव स्लिप नहीं हो। तो अगर आप ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं, थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं, तो ट्रस्ट मी जो 9 मंथ है प्रेगनेंसी के, कि वंडरफुल टाइम रहता है। इसमें आप अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस करके आप खुद शेप में रह सकते हैं और साथ ही साथ अपना मेंटल स्टेट भी अच्छा रख सकते हैं। ये देखा गया है कि जो लोग बेड रेस्ट में रहते हैं उनके अंदर स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, उनकी मसल्स अब क्योंकि यूज नहीं आ रही है तो एक तरीके का वो डेड टिश्यू है जो अंदर टॉक्सिन्स रिलीज करेगा, तो वो आपकी बॉडी को डल बनाता है, आपको सुस्ती देगा, आपको डिप्रेशन में डालेगा। और वही लोग जो एक्टिव रहते हैं, खासकर प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप डल रहेंगे तो आपका बच्चा भी डल रहेगा, आप खुश रहेंगे तो आपका बच्चा भी खुश होगा, एक्टिव होगा। आपकी स्टेट का, चाहे वो फिजिकल स्टेट हो, चाहे वो मेंटल स्टेट हो, आपकी इमोशनल स्टेट हो, उसका सीधा सीधा असर आपके बच्चे पे पड़ता है। तो अगर आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेस या फिजिकल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल नाम का एक और पदार्थ होता है वो रिलीज होता है जो हमें स्ट्रेस से फाइट करने में हेल्प करता है, हमारे मूड को अच्छा रखने में हेल्प करता है। तो प्रेगनेंसी के अंदर बेड रेस्ट स्ट्रिक्टली नो अंटिल और अनलेस आपकी प्रेगनेंसी में वो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अभी मैंने पहले बताई, या आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं और आप कुछ प्रीटर्म लेबर का रिस्क हो रखा है, लीकिंग यानी कि वाटर बैग लीक हो रहा है, इस तरीके की कुछ कंडीशंस हैं, तो ही आपके डॉक्टर आपको बेड रेस्ट एडवाइस करेंगे। अदरवाइज आपको बेड रेस्ट करना ही नहीं है, फिर भी अगर आपके डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए बोल रहे हैं तो आप उनसे खुल के बात करिए, समझने की कोशिश करिए कि आखिर किस वजह से उन्होंने आपको बेड रेस्ट सजेस्ट किया है।